नमस्कार दोस्तों, मैं रमनीक विग आपके समक्ष हूँ। इस समय लॉस एंजलिस में हूँ, एक वर्कशॉप के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपको एप्रिकॉट्स यानी कि खुमानी, इसके जो औषधिक गुण हैं इनके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। खुमानी जो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, पसंदीदा मेवा है हम सबका। दिवाली के दिनों में घरों में हम एक दूसरे को खुमानी भेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे औषधिक गुण होते हैं। इसमें खनिज पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों याद रखिए कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम हृदय रोगियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जिनको हड्डियों में दर्द हैं, मांसपेशियों में दर्द हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इनमें आपको ये सारे ही जो खनिज पदार्थ जिनका मैंने आपको अभी नाम लिया 4-5, ये बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि इसमें फाइबर यानी कि रेशा बड़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। फाइबर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो घुलनशील रेशा होता है जिसको अंग्रेजी में सॉल्युबल फाइबर कहते हैं, वो LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करता है। और जो अघुलनशील रेशा होता है जिसको इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं, वो कब्ज को दूर करने में मदद करता है। तो जो ये खुमानी है, छोटा सा फल, इसमें बहुत सारे आपको रेशा की मात्रा मिलेगी। अच्छा, इसके बाद और सबसे ज़रूरी बात खुमानी की वो ये है कि खुमानी में बीटा कैरोटीन हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। बीटा कैरोटीन शरीर के अंदर जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। और विटामिन ए एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं, जैसे कि ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आँखों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात विटामिन ए की है कि ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों मैंने अपने वीडियोस में ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है कि आप अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप अपने एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाइए। तो जहाँ आपको मैं बताऊँ कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, आप समझ जाएँ कि ये बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ए एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और खुमानी में ये अच्छी मात्रा में मिलता है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि खुमानी का सेवन रोज करें, प्रतिदिन 1 से 2 या 3 खुमानियाँ रोज खाएं। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ लॉस एंजलिस से। मेरा आप सबको नमस्कार।